हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि ओएसपीएफ विथ मल्टीपल एरियाज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तीन एरियाज लिए, एरिया जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया 10 और एरिया 20 लिए। अगर आपने मेरा लास्ट वाला सेशन देखा था जिसके अंदर मैंने बताया था ओएसपीएफ सिंगल एरिया के बारे में, ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि ओएसपीएफ मल्टीपल एरियाज में किस तरीके का कॉन्फिगरेशन होता है। कॉन्फिगरेशन इज वेरी इजी, बट हमें यहाँ पे समझना है कि एग्जैक्टली अगर मैं राउटिंग टेबल देखता हूँ तो राउटिंग टेबल में मुझे क्या कुछ नया देखने को मिलता है जिसके थ्रू ये सिंगल एरिया और मल्टी एरिया का कॉन्फिगरेशन आता है, ठीक है। तो थोड़े बहुत ही चेंजेस है जो कि हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगा, मैंने राउटर वन राउटर टू यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा एक बार पॉज करके आप टोपोलॉजी समझ सकते हो या तो फिर ड्रॉ कर सकते हो या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेस्ट वे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आईपी एड्रेस इन स्कीमा भी लिखा हुआ है, मैंने क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले R1 के ऊपर मैंने बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, R2, R3, R4, R5 सबके ऊपर एक बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, पॉइंट टू पॉइंट भी पिंग करके दिखाया मैंने, ठीक है। मतलब मैंने एक बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करके एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर चुका हूँ, ओके। So this one is completed now. Okay, तो अभी हम लोग करते हैं OSPF का कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे एरिया जीरो चलाना है, यहाँ पे एरिया 10 और यहाँ पे एरिया 20। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप राउटर R1 से, ठीक है। तो सबसे पहले R1 के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मैंने अभी तक बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, अभी मुझे कॉन्फ़िगर करना है ओएसपीएफ। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अभी तक मैंने कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओएसपीएफ प्रोटोकॉल रन करता हूँ, राउटर ओएसपीएफ, या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं या तो फिर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख के पूरा कमांड लाइन चेक कर सकते हैं। ओके, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी में 100 यूज करता हूँ। ये वाले प्रैक्टिकल के अंदर मैं राउटर आईडी मैन्युअली असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। राउटर आईडी 10.10.10.10 जो कि मेरा लूपबैक है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेंशन किया /32 मास्क है और 4.4.4.2 दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस /8 मास्क। ओके, सो मैंने यहाँ पे राउटर आईडी दे दिया है। अभी मुझे क्या करना है, दोनों कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप से एडवर्टाइज करने वाला हूँ। मुझे एग्जैक्ट एडवर्टाइज करना है आज के सेशन में, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो एग्जैक्ट एडवर्टाइज करना है तो मैं कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकता हूँ। वाइल्ड कार्ड एग्जैक्ट 0.0.0.0 एरिया, यहाँ पे हमें ध्यान देना है एरिया 10, करेक्ट, बिकॉज ये एरिया 10 में है R1 राउटर। सेम एज नेटवर्क अनदर राउटर अनदर इंटरफेस 4.4.4.2 0.0.0.0, ये मुझे काफी आसान लगता है। बाकी कोई ऑटो कस्ट का वगैरह कमांड नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइप सेक्शन ओएसपीएफ, आप इस कमांड से ओनली ओएसपीएफ का ही कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, ठीक है। चलो मेरा R1 के ऊपर तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अभी R2 के ऊपर थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज R2 ये राउटर दो एरियाज को कनेक्टेड है, तो दो एरियाज को कनेक्टेड तो किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ पे जो लुपबैक लिया R2 का, ये मैं एरिया जीरो में कम्युनिकेशन कराने वाला हूँ, एरिया जीरो में एडवर्टाइज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं उसको ऊपर के साइड में कर रहा हूँ। और सेम एज ये R4 का 40.40.40.40 ये लुपबैक जीरो सेम एरिया जीरो में कॉन्फ़िगर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले R2 के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आगे का कॉन्फ़िगरेशन आसान है, वो आपको आ जाएगा। राउटर ओएसपीएफ 100, बिकॉज मैं प्रोसेस आईडी सेम ही लेने वाला हूँ, अगर डिफरेंट प्रोसेस आईडी लेता हूँ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सेकंड कमांड इज राउटर आईडी प्रॉपर तरीके से, और जहां पे मैंने बताया मैं एग्जैक्ट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट एडवर्टाइज करूंगा एरिया जीरो, ओके, बिकॉज इसको जीरो में एडवर्टाइज करना है। यहाँ पे है 4.4.4.1, तो मैं उसको भी एडवर्टाइज करता हूँ, लेकिन ये आएगा एरिया 10 में, बिकॉज ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस नीचे के एरिया में जो कि एरिया 10 है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क 1.1.1.1, यहाँ पे एक लॉग जनरेट हुआ, क्या है लॉग वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 1.1.1.1 ये एरिया जीरो में, तो यहाँ तक तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ओएसपीएफ के अंदर हम लोगों ने 7 स्टेजेस देखे थे, अगर याद होगा तो, एनी स्टेज से फुल स्टेज तक, करेक्ट।
तो यहाँ पे मुझे पता चलता है ये जो OSPF है इसका प्रोसेस आईडी है 100, उसने एक नेबरशिप फाउंड कर दिया 10.10.10.10, ये पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एज वेल एज ये पर्टिकुलर स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब इसने इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में समझाओ तो ये बोला है कि आपकी नेबरशिप आपके नेबर वाले राउटर के साथ होगी, मतलब R2 को बताया तुम्हारी नेबरशिप R1 के साथ होगी जिसका लूपबैक 10.10.10.10 है, करेक्ट? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं कॉन्फिगरेशन चेक करना चाहता हूँ, शो रनिंग कॉन्फिगरेशन 5 सेक्शन OSPF, यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते हो, देखो 5 सेक्शन OSPF, ठीक है। मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ तो आपके लिए भी ये यूजफुल होगा, जो CCNP या CCI लेवल का प्रैक्टिकल्स करते हैं या तो प्रिपरेशन करें कुछ एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी शॉर्टकट काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर CCI एग्जाम की बात करते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कॉन्फिगरेशन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट कौन से, क्योंकि ईच एंड एवरी कमांड अगर आप फुल लिखते जाओगे तो आपके पास जो 8 आवर्स का टाइमिंग मिलता है एग्जामिनेशन के लिए ये शायद कम पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिगरेशन लैब ट्रबलशूट बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर वो रह सकता है, ठीक है। एनीवेज दैट इज नॉट टॉपिक टुडे। सो यहाँ पे मैंने OSPF का कॉन्फिगरेशन किया है, यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ मैंने OSPF में 2 एरिया के अंदर नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है, ओके। सेम एज R3 के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, R3 के ऊपर जा रहा हूँ, राउटर OSPF 100। यहाँ पे मैं और कुछ डिफरेंट तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं R3 के ऊपर 1.1.1.2 2.2.2.1 एंड 30 का नेटवर्क, जो कि ये नेटवर्क है, ये सबके सब मुझे एरिया 0 में ही एडवर्टाइज करना है। तो अगर मुझे सबके सब एरिया 0 में एडवर्टाइज करना है तो मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूं, दैट्स इट। देखो मैंने जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है मेरे पास 1.1.1.2 2.2.2.1 30 का नेटवर्क, सबको एट अ टाइम इन सिंगल कमांड में सबको एडवर्टाइज कर दिया, ओके। बट जनरली ये तरीका यूज मत करो, ठीक है, लेकिन मैं एक जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यूज भी कर सकते हैं, काफी यूजफुल है, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है ये जो पर्टिकुलर राउटर है R3 ये उसी राउटर के ऊपर वर्क करता है जो एक सिंगल एरिया के अंदर होता है। अगर ये राउटर मल्टीपल एरिया के अंदर होगा तो तुम ये कमांड नहीं चला सकते हो, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इसको भी पॉज करके आप एक बार नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे भी एक लॉग जनरेट हुआ है, देख सकते हैं लॉग में बोल रहा है कि इसकी नेबरशिप 20.20.20.20 के साथ होगी, मतलब R2 के साथ होगी, करेक्ट। चलो ठीक है, अभी R4 के ऊपर जंप करते हैं। यहाँ पे मैं वो कमांड नहीं चला सकता बिकॉज R4 इज कनेक्टेड टू डिफरेंट एरियाज, एरिया 20 एंड एरिया 0, ठीक है, ये थोड़ा सा नोटिस करना। राउटर आईडी 40.40.40.40, नेटवर्क 40.40.40.40, इसको मैं एरिया 0 में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, करेक्ट। 2.2.2.2 इसको भी एरिया 0 में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज 3.3.3.1 0.0.0.0 एरिया 20, ये थोड़ा ध्यान में रख के करना है, ठीक है। काफी सारे लोग एरिया में कॉन्फ्यूजन करते समय मिसमैच कॉन्फ्यूजन कर देते हैं, जिसकी वजह से बोलते कि हमारी नेबरशिप नहीं आ रही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल करते तो उसका कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन आपका प्रैक्टिकल के ऊपर होना चाहिए, कौन सा लिंक कौन सा इंटरफेस कौन से एरिया में ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द बेसिक कॉन्फ्यूजन, ओके। ट्रबल शूटिंग इज द नेक्स्ट लेवल पार्ट, अगर कुछ गलती होती है तो ट्रबल शूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक गलती होगी नहीं तब तक ट्रबल शूट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रबल शूट करने के पहले हम लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किस तरीके से कॉन्फिगरेशन किया है, अगर हम लोग उसमें कुछ गलती होती है तभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं गलती नहीं होने के चांसेस मैं तो मोस्टली यही फोकस करता हूँ कि गलती ना हो, इसलिए मैं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने R4 के ऊपर भी OSPF का कॉन्फिगरेशन कर लिया, एरिया 20 में प्रॉपर एडवर्टाइज कर दिया। यहाँ पे मैंने जब कॉन्फिगरेशन कर रहा था मुझे एक लॉग जनरेट हुआ, तो इसने भी बोला कि तुम्हारी नेबरशिप 30.30.30.30 मतलब R3 के साथ होगी, R4 की नेबरशिप R3 के साथ हो गई है, ओके। सेम एज R5 के ऊपर कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया अभी R5 ये पर्टिकुलर राउटर
कंप्लीट एरिया 20 में है, तो यहाँ पे भी मैं सेम एस आर थ्री के ऊपर कर सकता, आर थ्री के ऊपर जिस तरीके का कॉन्फिगरेशन किया यहाँ पे भी सेम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप आर फोर आर टू आर वन के ऊपर जिस तरीके से मैंने कॉन्फिगरेशन किया वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया 20 करेक्ट, बिकॉज ये 20 में देखो यहाँ पे एक लॉग जनरेट हो गया, इसने बताया कि इसकी नेबरशिप 40.40.40.40 मतलब R4 के साथ होगी, करेक्ट। सबसे पहले अगर मैं OSF चेक करता हूं, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा OSF नेबरशिप, तो सिंपल सा कमांड है शो आईपी OSF नेबर, जिसके अंदर मुझे नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, जिसके अंदर हमें DR और BDR का इलेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, काफी सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी किया है, दो राउटर है मेरे पास, तो हु इज द DR एंड हु इज BDR। तो इसका आंसर ये होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो उसके अंदर DR BDR का इलेक्शन नहीं होता, हमेशा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ही होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो शो आईपी OSF नेबर चलाने के बाद मुझे दिख रहा है 20.20.20.20 जो कि R2 है वो नेबर दिख रहा है। सेम एज R2 के दो नेबर है, एक 10 एंड 30 जो दोनों दिख रहा है, R2 के दो नेबर 10 एंड 30। सेम एज R3 के भी तीन नेबर है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओह सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया मैंने ये कॉपी कर दिया था जबकि मुझे ये कॉपी करना है। ठीक है, देख सकते हैं मैं सिंपली ऐसा सिलेक्ट करता हूँ तो वो कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं R3 के दो नेबर है। सेम एज R4 के ऊपर जाके चेक करता हूँ, R4 के भी दो नेबर, ओ यहाँ पे फिर से वही गलती किया मैंने। R4 के ऊपर जाके चेक करता हूँ मैं, R4 के भी दो नेबर दिख रहे हैं, करेक्ट। सेम एज R5 के ऊपर जाके चेक करता हूँ, ठीक है यहाँ पे एक नेबर दिख रहे हैं। यहाँ पे बात होगी हमारी OSF मेंबरशिप की। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ राउटिंग टेबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा हमें डिफरेंट राउटिंग टेबल देखने को मिलेगा। सबसे पहले R1 के ऊपर जाके चेक करता हूँ मैं शो आईपी राउट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ मुझे कुछ डिफरेंट दिख रहा है OIA। IA स्टैंड फॉर द OSPF इंटर एरिया राउट्स। ओके, IA क्या बोलता है, जो राउट्स बाहर के एरिया से आते हैं उस राउटों को OSPF में OIA करके शो करता है, और जो राउट्स खुद के एरिया के उसको वो नॉर्मल OSPF करके शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर सकता हूं तो मेरे पास 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क ये बाहर के एरिया से आ रहे हैं, जिसके वजह से वो OIA करके शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं टोपोलॉजी के ऊपर देख लेता हूँ। ठीक है, R1 के पास 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क, ये जो बाहर के एरिया से, बाहर के एरिया मतलब एरिया 0 और एरिया 20 के थ्रू आ रहे हैं, जिसके वजह से R1 के ऊपर OIA करके शो करता है। लेकिन सेम एज अगर मैं R2 के ऊपर जाके चेक करता हूँ शो IP राउट, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि मेरे पास दो ही नेटवर्क है, एक 3 का नेटवर्क है और एक 50.50.50.50 ये नेटवर्क है जो कि OIA करके शो कर रहा है, करेक्ट। अभी ये OIA करके शो कर रहा है लेकिन बाकी के, अभी बाकी के एरियाज की क्यों नहीं दिख रहे, बिकॉज R2 ये राउटर दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है, करेक्ट। R2 ये राउटर दो एरिया को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एरिया 0 का भी डेटाबेस समझ रहा है और एरिया 10 का भी डेटाबेस समझ रहा है। तो जो राउटर दो एरियाज को कनेक्ट करता है उस राउटर को हम लोग ABR राउटर बोलते हैं। ABR स्टैंड फॉर द एरिया बाउंड्री राउटर। OSPF के अंदर कुछ राउटर की इंफॉर्मेशन है, मैं नेक्स्ट वाले सेशन में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझ लो, OSPF के अंदर जो दो राउटर दो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है उस राउटर को हम लोग ABR राउटर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए R2 के लिए एरिया 0 और एरिया 20, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसके साथ ये वाला नेटवर्क एरिया 20, ये पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर जो भी नेटवर्क है वो राउट होके R2 के पास रहे, इसलिए वो दोनों ही राउट हमें OIA करके शो करते हुए दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं 3 का नेटवर्क है, 50 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क मीन्स एरिया 20 वाला और 50 का नेटवर्क भी एरिया 20 वाला, जिसके वजह से वो वहां पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेम एज मैं R5 के ऊपर भी शो आईपी राउट चेक कर सकता हूँ, देख सकते हैं करेक्ट, मतलब 3 और 5 50 का नेटवर्क छोड़ के बाकी जितने भी नेटवर्क है हम लोगों को ओ आई करके शो करेंगे। ठीक है, 50 का नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे कि मैंने बताया 3 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी जितने भी नेटवर्क है सबके सब ओ आई करके, बिकॉज वो अनदर एरिया से आ रहे हैं। ठीक है, तो यही तक था हमारा ओएसपी का मल्टीपल एरियाज के बीच में कॉन्फ्यूशन। अगर आपको कुछ अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और सेकंड थिंग, ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।